हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। फाइलम कोर्डेटा की स्टडी कर रहे थे हम, जिसमें हमने अभी तक जो फाइलम के जो दो ग्रुप थे कोर्डेटा के, प्रोटोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा, जिसमें हम प्रोटोकोर्डेटा का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दो सब फाइलम देखे थे, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। देन उसके बाद अब हमने शुरू किया है यहाँ पर यूकोर्डेटा, मतलब क्रेनिएटा बोल सकते हैं, जिनमें क्रेनम पाया जाता है, उसका सब फाइलम हमने, जो ग्रुप है क्रेनिएटा या यूकार्डेटा, उसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें भी हमने अग्नेता मतलब जो लेस, उसमें साइक्लोस्टोम उसकी क्लास देखी थी। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गनेथोस्टोमेटा, जो भी ईयरिंग एनिमल्स मतलब जिनमें जबड़ा पाया जाता है। और गनेथोस्टोमेटा की भी दो सुपर क्लास है, एक तो है पाइसिस और एक है टेट्रापोड। जो पाइसी से वो फिन बियरिंग एनिमल से, मतलब इनमें फिन पाए जाते हैं, और जो टेट्रापोड है वो अपेंडेजेस बियरिंग, मतलब उसमें पाद पाए जाते हैं, हाथ पैर पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो टेट्रापोड तो आने वाली क्लासेस में देखेंगे, आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो भी पॉइंट लिखे हैं वो सब लिखे हैं पाइसिस के। अब पाइसिस की तीन क्लासेस होती हैं, एक तो होती है प्लेकोडर्मी, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसकी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दो क्लासेस बचती है, कौन कौन सी, जो सुपर क्लास है पाइसिस, उसकी दो क्लास बच रही है, वो है कोंड्रोक्टिस एंड ओस्टियोक्टिस, जिसकी आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ये वाला पूरा कोंड्रोक्टिस, ये वाला ओस्टियोक्टिस। कोंड्रोक्टिस एंड ओस्टियोक्टिस से क्या मतलब है? कोंड्रोक्टिस का मतलब है कार्टिलेजिनस फिशेस, मतलब इनका एंडोस्केलेटल कार्टिलेज का बना हुआ है, और जो ऑस्टियोक्टिस है वो बोनी एंडोस्केलेटन रखते हैं। तो आज हम इसमें इनके करेक्टर और अंतर पता चल जाएगा, ये पूरा कोंड्रोक्टिस के लिए, ये पूरा ऑस्टियोक्टिस के लिए। ये सारे करेक्टर कोंड्रोक्टिस के हैं, ये ऑस्टियोक्टिस के हैं, साथ ही इनमें डिफरेंस भी करते जाएंगे, जिससे ये दोनों टॉपिक, जो दोनों क्लासेस है, कोंड्रोक्टिस एंड ऑस्टियोक्टिस, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, ये कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, मराइन एनिमल्स विद स्ट्रीम लाइन बॉडी। जो कोंड्रोक्टिस फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, वो कौन से एनिमल्स, कौन सी फिशेस हैं? मराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब खारे पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब है कि नौकाकार। स्ट्रीम लाइन बॉडी मतलब आगे पीछे से तिकोनी, स्ट्रीम लाइन, ताकि पानी को काटते हुए तैरती जाए, तो उसको बोल रहे हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी प्रेजेंट होती है। कार्टिलेजेनस एंडोस्केलेटल प्रेजेंट होता है, तो कार्टिलेजेनस एंडोस्केलेटल इनमें प्रेजेंट है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, जो माउथ है वो वेंट्रली प्रेजेंट है, मतलब जैसे ये फिश है, अब इसमें जो माउथ प्रेजेंट है वो वेंट्रली प्रेजेंट है, यहाँ ना तो टर्मिनल प्रेजेंट नहीं, अगर यहां पर प्रेजेंट रहेगा तो इसको टर्मिनल बोलेंगे, अगर यहां पर प्रेजेंट है तो इसको डोर्सली बोलेंगे, लेकिन माउथ यहाँ प्रेजेंट है तो इसको वेंट्रली बोलेंगे। तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, ये बात हो चुकी है। गिल स्लिट्स सेपरेटेड, गिल स्लिट्स सेपरेटेड है और विदाउट अपरकुलम, विदाउट अपरकुलम, अपरकुलम नहीं प्रेजेंट है। अपरकुलम का मतलब है कि जो गिल स्लिट से उनको एक फ्लैप उनको ढके हुए रहता है, जो धूल के कण वगैरह डस्ट पार्टिकल से बचाता है गिल स्लिट्स को, तो यह फ्लैप इनमें नहीं पाया जाता, अपरकुलम इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्किन इज टफ, स्किन थोड़ी टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। प्लेकोइड स्केल्स को आदि स्केल भी बोलते हैं, प्रिमिटिव स्केल्स भी बोलते हैं, तो प्लेकोइड स्केल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्किन टफ होती है इसी वजह से। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, जो टीथ हैं वो क्या है, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स है, मतलब प्लेकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से टीथ बने हैं, और जो टीथ है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड है। बैकवर्डली डायरेक्टेड का मतलब है जैसे माउथ है, अभी हमारा जो माउथ है एकदम ऐसे टीथ है, लेकिन अगर बोलेंगे बैकवर्डली, ये ऊपर वाले टीथ है, नीचे वाले टीथ है, ऐसे ऐसे माउथ में प्रेजेंट है अपने अंदर। अगर हम इस फिश की बात करेंगे कि इसमें बैकवर्डली डायरेक्टेड है, बैकवर्डली डायरेक्टेड का मतलब होता है ऐसे अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, पीछे की तरफ, टेल की तरफ, एंटीरियर रीजन है, पीछे वाला पोस्टीरियर रीजन है, ऐसे फिश है, ये फिश है। अब इसके टिप ऐसे प्रेजेंट है माउथ में अंदर की तरफ, बैकवर्डली डायरेक्टेड से इनको ये फायदा होता है कि जो फूड ये इंगल्फ कर चुके हैं, जो फूड ये खा चुके हैं, अगर वह कोई लाइव फूड खा रहा है, माना कि कोई बड़ी फिश है छोटी फिश को खा गई, अब वह लाइव थी, जिंदा फिश को खाई, तो वह बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो इन दांतों में उलझ के रह जाएगी, तो ये फूड को रोकने में मदद करते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड टिप।
जो पावरफुल पावरफुल जो प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी कि बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ इनमें प्रेजेंट है, पावरफुल जो जबड़ा इनका पावरफुल होता है। ये अब ये बात बोली जो पावरफुल है, तो ये किसके कंपैरिजन बोली, इनके कंपैरिजन में इनका जबड़ा पावरफुल होता है। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, प्रीडेशियस का मतलब क्या है, प्रीडेटर है, प्रीडेशियस है, प्रीडेटर है ये, ठीक है। ये भक्षणकारी एनिमल्स है, प्रीडेशियस एनिमल्स होते हैं ये। स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, यह स्विम करते रहते हैं डूबने से बचने के लिए, क्योंकि इनमें एयर ब्लडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लडर एक एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्विम करने में मदद करती है, रेस्पिरेशन में मदद करती है, ठीक है। तो यह कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं और इसकी वजह से ये सिंकिंग मतलब डूबने से बचते हैं। तो स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, सिंकिंग मतलब डूबने से बचने के लिए यह सिंकिंग करते रहते हैं। अब है टू चेम्बर्ड हार्ट, हार्ट इनका टू चेम्बर्ड होता है। टू चेम्बर्ड हार्ट से मतलब है कि जो हार्ट है इसमें दो ही चेम्बर प्रेजेंट है, एक ओरिकल है एक वेंट्रिकल है। एक तो ओरिकल है और एक वेंट्रिकल है, ये इसके हार्ट की कंडीशन रहती है। एक ओरिकल है एक वेंट्रिकल, मतलब टू चेम्बर हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, अब इन एनिमल्स में भी कुछ प्राणियों में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है और कुछ में पोजेस पॉइजनस स्टिंग, एक पॉइजनस कांटा एक स्टिंग पाया जाता है पॉइजन का कुछ एनिमल्स में। जिन एनिमल्स में जो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है वह इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होता है, ताकि वह अपने प्रे को पकड़ सके, अपने एनिमी को भगा सके। तो उनकी लाइफ में यह बहुत ही इंपोर्टेंस रखता है, उनकी सेफ्टी के लिए मदद करता है। साथ ही पॉइजनस स्टिंग का भी यही वर्क है कि प्रे को पकड़ सके और जो प्रीडेटर है उनको भगा सके, डरा सके। तो ये इनकी सर्वाइविंग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनके अंदर, क्या इलेक्ट्रिक ऑर्गन और पॉइजनस स्टिंग। अब है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है कि इनका ब्लड कोल्ड होता है, यह अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में असक्षम होते हैं। इनका ब्लड कोल्ड हमेशा कोल्ड रहता है क्योंकि ये वाटर में प्रेजेंट है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। क्लोएका प्रेजेंट, इनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होती है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गए, क्लोएका प्रेजेंट। क्लोएका क्या, अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि क्लोएका एक जेनाइटल पोर और जो एनस है उसकी कॉमन ओपनिंग होती है क्लोएका, तो एक यह एडवांस करेक्टर नहीं है, एक यह डिसएडवांटेज है कि क्लोएका प्रेजेंट है। एडवांस करेक्टर तो यह होगा कि दोनों सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट होते हैं जैसे अपने अंदर, तो क्लोएका इनमें प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्कोलियोडोन जिसका कॉमन नेम डॉग फिश है, प्रिस्टिस जिनको सॉ फिश भी बोलते हैं, और एक ट्राइगन जिसको स्टिंग फिश जो ये स्टिंग फिश थी यहां पर कहां पड़ी थी हमने, ये वाली पॉइजनस स्टिंग पाया जाता है, तो ये इस ट्राइगन के अंदर पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वह टोरपीडो के अंदर पाया जाता है, ये एग्जांपल यहाँ पे टोरपीडो का, टोरपीडो एक इलेक्ट्रिक ईल भी बोलते हैं इसका कॉमन नेम, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है और पॉइजनस स्टिंग इस ट्राइगन के अंदर। एक है केरकोरोडोन, केरकोरोडोन है ग्रेट व्हाइट शार्क, तो ये इनके एग्जाम्पल हुए। साथ ही जो ये एग्जाम्पल से इनके मैंने पिक वीडियो के लास्ट में ऐड कर रखे हैं, सभी के अच्छे से पिक डायग्राम की फॉर्म में समझने के हिसाब से ऐड कर रखे हैं, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो इनके डायग्राम स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट में, तो आप वहां से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्कोलियोडोन कैसी दिखती है, टॉर्पिडो कैसी दिखती है, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास ऑस्टियोक्टीस की, हमने बात की बोनी फिशेस की, बोनी फिशेस क्यों, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज में से है और इनके ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्टियोक्टीस, क्लास ऑस्टियोक्टीस मतलब बोनी फिशेस की, ठीक है। अब इंक्लूड बोथ मराइन एंड फ्रेश, अब इसमें जो इंडिविजुअल है ये मराइन भी होते हैं और फ्रेश भी होते हैं इन बोनी फिशेस के, ऑस्टियोक्टीस के, और बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है इनकी भी, ठीक है। बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है, एंडोस्केलेटन जो है इनका कंकाल तंत्र वह बोनी है, मतलब बोन का प्रेजेंट है, जबकि उनमें कार्टिलेज का प्रेजेंट है, तो ये एक अंतर हो गया है यहाँ पर कि वो मराइन थे, ये मराइन एंड वो मोस्टली मराइन है और ये मराइन और फ्रेश है। इनका बॉडी का जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है जबकि उनमें कार्टिलेज था, तो ये अंतर हो गया। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ इसमें टर्मिनल प्रेजेंट है, टर्मिनल माउथ का मतलब है कि जैसे ये फिश है उनमें तो वेंट्रल प्रेजेंट था यहाँ पर, लेकिन इनका टर्मिनल होता है बिल्कुल एंड पॉइंट पर, टर्मिनल माउथ होता है,
तो माउथ इनमें प्रेजेंट है टर्मिनल जबकि इनमें वेंट्रल था, तो एक डिफरेंस ये हो गया। फोर पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम, तो इनमें ऑपरकुलम प्रेजेंट है जबकि इनमें विदाउट ऑपरकुलम थे, ठीक है। इनमें फोर पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं और ऑपरकुलम पाया जाता है जबकि उनमें ऑपरकुलम एब्सेंट था, तो एक डिफरेंस ये हो गया। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड एंड टीनोइड स्केल, जबकि उसमें प्लेकोइड स्केल से स्किन कवर्ड थी लेकिन इनमें जो स्किन है इनकी साइक्लोइड और टीनोइड स्केल से प्रेजेंट है, कवर्ड है। एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट, अब इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट है विच रेगुलेट बायोन्सी, जो उत्प्लावकता देता है, उत्प्लावकता देता है इनको तैरने में मदद करता है, इनको उत्प्लावकता देता है, बायोन्सी का मतलब उत्प्लावकता, तो एयर ब्लेडर का ये यूज है इसमें कि यह रेगुलेट करता है बायोन्सी जबकि उनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट था। एयर ब्लेडर की बात की थी हमने कि एयर ब्लेडर इनमें एब्सेंट है क्योंकि उनको स्विम करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, एयर ब्लेडर एब्सेंट है इस वजह से, जबकि इनको नहीं करना पड़ता, इनमें बायोन्सी रेगुलेट होती है एयर ब्लेडर के द्वारा। इनमें भी टू चेंबर हर्ट है जैसा कि उनमें प्रेजेंट था, एक ओरिकल एंड एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक नीले। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये भी, और इनमें क्लोएका एब्सेंट होती है जबकि इनमें क्लोएका प्रेजेंट थी, इनमें क्लोएका प्रेजेंट थी जबकि इनमें क्लोएका एब्सेंट है और कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस इनके सेपरेटेड हैं, सेक्सेस कौन से सेपरेटेड हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इनमें यूजुअली एक्सटर्नल होता है और सेक्सेस इनके सेपरेटेड हैं और मोस्टली यह ओवीपेरस होते हैं, तो सेक्सेस इनके सेपरेटेड है, फर्टिलाइजेशन इनमें यूजुअली एक्सटर्नल होता है और मोस्टली ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टेड। ओवीपेरस का मतलब है एग ले करने वाले एनिमल्स हैं ये, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है मतलब इनमें कोई लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाती है। अगर बात करें इनकी तो इनमें भी सेक्सेस सेपरेटेड है, सेपरेटेड सेक्सेस पाया जाता है, ये यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है तो आप लिख सकते हैं इसमें क्लास कॉन्ट्रक्टिस में कि जो इनका सेक्सेस है वो कौन सा है, सेपरेटेड है, सेपरेटेड, ठीक है, सेक्सेस सेपरेटेड है। और मेल में पेल्विक जो फिन होता है, पेल्विक रीजन में जो फिन पाया जाता है वह क्लेस्पर बियर करता है, जो फिशेस होती है, माना कि ये फिशेस है, ये इधर इसका माउथ है और ये इसकी टेल है, तो यहाँ पर जो पेल्विक फिन होता है ये वाला फिन यहाँ पर इसके क्लेस्पर पाया जाता है, एक स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कोपुलेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है, तो इनमें एक पाया जाता है क्लेस्पर, क्लेस्पर बियर करता है पेल्विक फिन जो कि एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, कोपुलेशन में मदद करता है, तो इनके अंदर क्लेस्पर पाया जाता है जबकि इनके अंदर क्लेस्पर नहीं पाया जाता है, तो एक डिफरेंस ये हो गया। सेक्सेस दोनों के सेपरेटेड है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल है जबकि इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल प्रेजेंट है, और ये तो ओवीपेरस है लेकिन इनके कुछ मेंबर्स वीवीपेरस भी देखने को मिलते हैं, मतलब डायरेक्ट फिश को ले करते हैं, ठीक है, तो वीवीपेरस भी होते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर इन दोनों के करेक्टर की, साथ ही इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, हमने बहुत सारे डिफरेंस देखे कि ये एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेजिनस है, इनका बोनी है, माउथ इनमें वेंट्रली है जबकि इनमें टर्मिनल है, इनमें ऑपरकुलम एब्सेंट है जबकि इनमें ऑपरकुलम प्रेजेंट है, इनके अंदर प्लेकोइड स्केल है जबकि इनके अंदर साइक्लोइड एंड टीनोइड स्केल्स है, इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट है लेकिन इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट है, ठीक है, और इसमें क्लोएका एब्सेंट है जबकि इसमें क्लोएका प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं जबकि इनमें कुछ एनिमल्स वीवीपेरस भी होते हैं, तो ये बात हो गई यहाँ पर डिफरेंस की। और ये अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम, इसकी क्लास ऑस्टियोक्टिस बोनी फिशेस की एग्जांपल की बात करें तो जैसे एक्सोसिटस जिसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, वास्तव में ये फ्लाइंग नहीं करती है, बस जंप करके थोड़ा सा आगे गिरती है, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक्सोसिटस फिश या कॉमन नेम है इसका फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस जिसको सी वॉर्स भी बोलते हैं क्योंकि यह घोड़े की तरह नजर आता है, ठीक है, जिसको सी वॉर्स भी बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ये दोनों फ्लाइंग फिश मतलब एक्सोसिटस और सी वॉर्स हिप्पोकैम्पस, ये दोनों होते हैं मराइन फिशेस, खारे पानी में समुद्री पानी में पाए जाने वाले फिशेस, जबकि जो लेबियो है जिसको कॉमन नेम रोहू है, नेक्स्ट कतला जिसका नेम कटला है कॉमन नेम, और एक क्लेरियस जिसका नेम कॉमन मंगूर है, तो इनके कॉमन नेम है जो ब्रैकेट में दे रखे हैं। ये तीनों फिशेस फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, मतलब यह झरनों तालाब इत्यादि इनमें पाई जाती हैं,
अब नेक्स्ट है बेटा, बेटा फिश है और है कि टेरोफाइलम। बेटा फिश को फाइटिंग फिश भी बोलते हैं और जो टेरोफाइलम है इसको एंजल फिश भी बोलते हैं। तो एंजल फिश और फाइटिंग फिश ये दोनों जो है एक्वेरियम फिशेस है, मतलब एक्वेरियम में जो हम पालते हैं वो वाली ये फिशेस है। तो इनके एग्जाम्पल की बात होगी, करेक्टर की बात होगी, डिफरेंस देखा हमने, साथ ही अब वीडियो के लास्ट में जो एक छोटी सी क्लिप है जिसके अंदर इन सभी के फोटोज दे रखे हैं, जिसको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिशेस को कि स्कोलियोडॉन कैसी दिखती है या बेटा फिश कैसी दिखती है। तो ये बात होगी हमारी यहाँ पर सुपर क्लास पाइसिस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टेट्रापोड जो कि चार हाथ पैर बियर करते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं।